ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ NTPCR ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। सठ साल के उपर का कोई बुजुर्ग या किसी बीमारी तो पीड़ित या कि 10 साल तो नीचे का कोई बच्चा वो आने तो गुरेज करे ताकि रस्ते दे विच कोई परेशानी ना हो। सरकार वालों कोरोना महामारी के मद्देनजर हेमकुंट साहब की यात्रा आरंभ करने विच बहुत देरी तो बाद हुण नानक नाम लेवा संगतां लई हेमकुंट साहब की यात्रा आरंभ कर दी गई है। यात्रा इस साल 4 सितंबर नूं शुरू हुई है ते 10 अक्टूबर नूं समाप्ति की अरदास होगी। इस साल संगतां नूं हेमकुंट साहब दर्शन करने लई 36 दिनां लई आग्या दित्ती गई है। हेमकुंट साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों गोबिंदघाट के मुख्य सेवादार सेवा सिंह जी ने दस्सिया है कि हेमकुंट साहब आने वाले यात्रियों लई RT-PCR कोविड का टैसट करवा के रिपोर्ट न लैके आना लाजमी है जिस नाल संगतां नूं रस्ते विच कोई परेशानी नहीं होगी। हेमकुंट साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों संगतां की रिहायश और लंगर का विशेष प्रबंध किया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज 4 सितंबर 2020 नूं महाराज ने साडे तर्श किया है कि सारे संसार भर के बीमारी कारण इस यात्रा की आरंभता अज हुई है। थोड़ा लेट होया भी परमेश्वर का हुक्म ही है पर संगत के चरणों च बेनती करते हैं कि इस यात्रा के आउण तो पहला कुछ सुझाव हैं जो कि आप जी नूं ओ सरकार वालों भी है ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ NTPCR ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ यात्रा खोली है पर आप जी ने प्रबंधकों का भी सहयोग करना अते अपनी सरकार का भी सहयोग करना। वैसे तो गोविंद घाट सरदार सेवा सिंह जी मैनेजर साहिब समय समय सर संगत को सुझाव देते रहते हैं। उत्थे संगत के फोन आते हैं तो सारी उत्थों की प्रक्रिया दसते हैं कि जे किसी संगत को आने तो पहला कोई सुझाव लेना भी हो गोविंद घाट सरदार सेवा सिंह जी उत्थे फोन करके उन्होंने सुझाव ले सकते हो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਭੂਲ।